तो हे गाइस, कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी को आप कैसे ट्रेड करेंगे? निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन कहाँ पर होने वाले हैं? और दोस्तों, कल के दिन वीकली एक्सपायरी भी है, तो दोस्तों वीकली एक्सपायरी के दिन कहाँ पर आपको ट्रेड करना चाहिए, कहाँ पर आपको बाइंग करना चाहिए और कहाँ पर आपको सेल करना चाहिए? और दोस्तों, आपको कल के लिए जैकपॉट ट्रेड कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको काफ़ी अच्छी लर्निंग मिलने वाली है अबाउट निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिर निफ्टी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों, आज के दिन सबसे पहले अपन बैंक निफ्टी के ऊपर एनालिसिस करते हैं। बैंक निफ्टी का डेली चार्ट यहां पर लग रहा है और डेली चार्ट के ऊपर देखेंगे। यहां पर आज के दिन भी इसी रेंज के अंदर आपको मार्केट क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। आज के दिन मार्केट आरबीआई की पॉलिसी थी दोस्तों, आरबीआई की पॉलिसी के तहत आपको यहां पर मार्केट डाउनसाइड आया और उसके बाद दोस्तों वापस रिकवर होकर जहां ओपन हुआ था उसी के आसपास पर क्लोजिंग देखने को मिली। यानी कि दोस्तों ज्यादा कुछ है नहीं, यहां पर लेवल्स वही हैं। जब तक दोस्तों 42,800 और 42,700 के नीचे नहीं आ जाता, तब तक दोस्तों आपको कोई भी अच्छा मोमेंटम डाउनसाइड में डेली चार्ट के ऊपर देखने को नहीं मिलेगा। और अपसाइड में जब तक दोस्तों 43,400 के ऊपर नहीं निकलता है मार्केट, तब तक दोस्तों यहां पर अपसाइड में अच्छा मोमेंटम डेली चार्ट पे देखने को नहीं मिल सकता है। चलिए अभी देखते हैं 15 मिनट के चार्ट के ऊपर कैसे ट्रेड करेंगे। उससे पहले दोस्तों, आपने हमारा अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे दोस्तों आज के दिन देखेंगे मार्केट ओपन हुआ फ्लैट और दोस्तों यहाँ पर ओपनिंग के साथ ही दोस्तों आपको अपसाइड का एक अच्छा छोटा सा मोमेंटम मिला। उसके बाद दोस्तों जैसे आरबीआई की पॉलिसी की स्पीच स्टार्ट हुई और इस स्पीच के अंदर देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा डाउनफॉल देखने मिला। एक टाइम में लगा कि दोस्तों 42,950 को अगर ब्रेक करेगा तो डाउन साइड में कंटिन्यू मोमेंटम देखने मिलेगा, बट दोस्तों 950 से देखेंगे तो एक आपको बुलिश मोमेंटम वापस देखने मिला। बट दोस्तों मार्केट ऑल ओवर एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट होकर यहीं पर क्लोज हो गया, कोई भी अच्छा मोमेंटम नहीं मिला। अब दोस्तों फ्लैट ओपन होता है और दोस्तों इस लेवल को ब्रेक करता है आज के इस कंसोलिडेशन जोन को अपसाइड या फिर डाउनसाइड, तो दोस्तों आपको एक अच्छा ऊपर अपसाइड या फिर डाउनसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो कि दोस्तों पहला टारगेट दोस्तों आज का हाई रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर ये 350 से लेकर 400 का जो लेवल है, इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो अपसाइड में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अदरवाइज दोस्तों बात करेंगे डाउन साइड में, तो दोस्तों डाउन साइड में जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करता है 43,950 से लेकर 42,950 का लेवल, उसके बाद दोस्तों 42,800 का लेवल, उसके बाद 42,700 का लेवल नहीं ब्रेक करता है डाउन साइड में, तब तक दोस्तों डाउन साइड का कोई भी अच्छा मोमेंटम आपको देखने को नहीं मिल सकता है। और दोस्तों कल के दिन एक बात और भी ध्यान रखें, गुजरात के और कुछ स्टेट्स के अंदर इलेक्शन हुए हैं तो इलेक्शन के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, तो दोस्तों कल के दिन आप बहुत ही केयरफुली होकर ट्रेड कीजिएगा। बात करते हैं दोस्तों आप कौन से स्ट्राइक प्राइस के ऊपर आप ट्रेड करेंगे, तो दोस्तों आपको इन द मनी और एट द मनी के अंदर ही ट्रेड करना है, आउट ऑफ द मनी के ऊपर आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों कल के दिन एक्सपायरी है तो एक्सपायरी के दिन आपका जो प्रीमियम होगा वो डीके बहुत ही तेजी से होगा, तो यहाँ पर आप केयरफुली होकर ट्रेड कीजिएगा। अगर दोस्तों बात करें जैकपॉट ट्रेड के बारे में, तो दोस्तों वो वीडियो को एंड में आपको तीनों में कैसे जैकपॉट ट्रेड मिलेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के अंदर वो सारा एक्सप्लेन करूंगा, तो यार वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। अब भी देख लेते हैं दोस्तों फिन निफ्टी को आप कल के दिन कैसे ट्रेड करेंगे और फिन निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स कहाँ पर होने वाले हैं डेली चार्ट के ऊपर और 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। सबसे पहले दोस्तों डेली चार्ट लगाते हैं, डेली चार्ट की तरह देखेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी की तरह देखेंगे, फिर निफ्टी भी अपने एक ही रेंज के अंदर होल्ड कर रही है। ये रेंज जब तक दोस्तों डाउनसाइड में या फिर अपसाइड में ब्रेक नहीं करती है, तब तक दोस्तों आपको अपसाइड या फिर डाउनसाइड का कोई भी अच्छा मोमेंटम नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर 19,400 का लेवल अपसाइड में देखने को मिलेगा और डाउन साइड में देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 19,100 का लेवल है वो अपसाइड में देखने को मिल रहा है। 19,100 से लेकर 19,200 के बीच में जो लेवल है, इस लेवल को अगर डाउन साइड में ब्रेक करके सस्टेन होता है तो दोस्तों आपको अपसाइड या फिर डाउन साइड का एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर इस लेवल के ऊपर नज़र बना के रखेंगे। चलिए अभी देखते हैं 15 मिनट के चार्ट के ऊपर कैसे आप ट्रेड करेंगे। उससे पहले दोस्तों आपने हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में हमारा प्रीमियम ग्रुप की सारी इन्फॉर्मेशन है, तो वो यहाँ पर देख कर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखेंगे दोस्तों फिन निफ्टी की ओपनिंग फ्लैट ओपनिंग के बाद दोस्तों देखेंगे अपसाइड का छोटा सा मोमेंटम मिला, उसके बाद दोस्तों स्पीच के अंदर ये भी डाउनसाइड गया और दोस्तों यहां पर उसके बाद कंसोलिडेशन होकर यहीं पर क्लोज हो गया। फ्लैट ओपनिंग के बाद दोस्तों ये जो रेंज है इसको ब्रेक करेगा, यानी कि दोस्तों यहां पर देखेंगे ये रेंज अगर ब्रेक करेगा यानी कि 19,250 के ऊपर सस्टेन होते ही दोस्तों एक अपसाइड का मोमेंटम देखने मिलेगा, जो कि पहला आज का हाई 19,300 और 320 का लेवल देखने मिलेगा। अगर इसको ब्रेक करेगा तो कंटिन्यू आपको अपसाइड का लेवल अपडेट मिलेगा। उसके बाद दोस्तों डाउन साइड में ये जो लेवल है 19,150 से लेकर 19,100 का लेवल है, इस लेवल को ब्रेक करेगा डाउन साइड में तो डाउन साइड के मोमेंटम मिलेंगे, जो कि दोस्तों 19,000 के आसपास लेके आ सकता है मार्केट, और 19,000 को ब्रेक करेगा तो डाउन साइड में फिर निफ्टी और भी देखने को मिल सकती है। उसके बाद दोस्तों
गैप अप और गैप डाउन में क्या करना होता है, कंसोलिडेट होगा तो उसके बाद दोस्तों गैप अप और गैप डाउन में क्या करना होता है, यहाँ पर अपने को प्राइस एक्शन को समझना है और पहले 5 मिनट की कैंडल को समझना है, उसके बाद अपने को ट्रेड करना है। अदरवाइज तो सिंपल सा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 9:10 को मैं लाइव रहता हूँ, लाइव मार्केट के अंदर आपको बताता हूँ कि आपको कैसे ट्रेड करना है निफ्टी बैंक निफ्टी और यहाँ पर फिन निफ्टी के अंदर। तो दोस्तों कंप्लीट आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। चलिए अभी देखते हैं निफ्टी को कैसे आप ट्रेड करेंगे कल के दिन। उससे पहले दोस्तों आप दिन तक आपने हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एंजल वन की लिंक दे रखी है, एंजल वन की लिंक से दोस्तों आप डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और वहां पर कुछ ट्रेड करके उसका स्क्रीनशॉट हमारे वोट दी गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिए, जिससे दोस्तों आपको हमारे फ्री वाले प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। आज के दिन देखेंगे निफ्टी भी एक अच्छा डाउन मूवमेंट दिया है और दोस्तों यहां पर निफ्टी आज ज्यादा बेरिश थी। अब दोस्तों यहां पर ध्यान लगा के रखेंगे अपन, जब तक दोस्तों ये 18,500 के ऊपर है तब तक एक बुलिश मोमेंटम और भी आपको देखने को मिल सकता है, यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। बट दोस्तों ये लेवल यहाँ पर देखेंगे 400 का लेवल के आसपास आ सकती है डाउन साइड में, उसके बाद ये लेवल देखेंगे 300 350 का और 18,200 और 18,000 का लेवल भी आपको डाउन साइड में दिखा सकती है निफ्टी। बट दोस्तों यहाँ पर एक थोड़ा सा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, जैसा कि दोस्तों बैंक निफ्टी ने आज होल्ड किया है डाउन साइड में नहीं आया है, उस वजह से आपको निफ्टी में वापस एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों देखते 50 मिनट के चार्ट के ऊपर कल के दिन कैसे आप ट्रेड करेंगे। 50 मिनट के चार्ट के ऊपर देखेंगे निफ्टी भी ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन के बाद दोस्तों अपसाइड का मोमेंट दिया, फिर दोस्तों स्पीच चली तब दोस्तों डाउन साइड का मोमेंट दिया, थोड़ी देर कंसोलिडेट होने के बाद दोस्तों थोड़ा सा दो हाफ आवर के अंदर लास्ट में 3:30 के अंदर आपको यहाँ पर एक छोटा सा डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिला था। अब दोस्तों फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपनिंग के बाद दोस्तों अभी ये जो रेंज बनी हुई इसी रेंज को अपसाइड या फिर डाउन साइड में ब्रेक करता है तो दोस्तों आपको अपसाइड का या फिर डाउन साइड का एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और दोस्तों यहाँ पर डाउन साइड में अगर करता है तो 500 का पहला टारगेट अपना रहेगा और 500 का अगर ब्रेक करती है तो दोस्तों आपको 400 का और 400 का ब्रेक करती है तो दोस्तों आपको डाउन साइड के कंटिन्यू मोमेंटम देखने को मिल सकता है। निफ्टी देखेंगे 2 से 3 दिनों के अंदर डाउन ट्रेंड के अंदर ही यहाँ पर ट्रेड कर रही है, देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये ट्रेंड लाइन भी आपको मिल रही है, जब तक अब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं जाती है तब तक दोस्तों आपको अपसाइड के कोई भी अच्छा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को भी आप फॉलो कीजिए, उसके बाद ही यहाँ पर आप साइड के ट्रेड लीजिए निफ्टी के अंदर। दोस्तों निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन होती है तो दोस्तों आपको एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा और दोस्तों यहाँ पर आते हुए वापस मिलेगी और यहाँ पर कोई इन्वर्टेड हैमर बनती है तो दोस्तों इसी के हाई का ऐसे लगाकर अपन निफ्टी को वापस सेल करने की कोशिश करेंगे। चलिए अभी देखते हैं गैप अप और गैप डाउन में कैसे ट्रेड करेंगे। तो दोस्तों वहाँ पर वही करना आपको, गैप अप गैप डाउन में प्राइस एक्शन को समझना है, पहले 5 मिनट की कैंडल को समझना है। अगर दोस्तों ये समझ में नहीं आता कुछ भी तो सिंपल सा लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, मॉर्निंग में 9:10 के ऊपर मैं लाइव रहता हूँ और लाइव मार्केट के अंदर आपको बताता हूँ। तो सिंपल सा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल वाले नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जैसे मैं लाइव आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए अभी बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के अंदर आप कल के दिन जैकपॉट ट्रेड, सॉरी फिन निफ्टी की एक्सपायरी कल आज ही हो गई है, कल के दिन आप सॉरी परसों हो चुकी है फिन निफ्टी की एक्सपायरी कल के दिन हो चुकी है, आज के दिन कल के दिन आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर जैकपॉट ट्रेड कैसे मिलेगा वो अपन यहाँ पर बात कर लेंगे। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर एक ये इंपॉर्टेंट लेवल है, अब दोस्तों मार्केट फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप अप ओपन होने के बाद दोस्तों यहाँ पर डाउन साइड में आता है और दोस्तों 1:30 के बाद इस लेवल को ब्रेक करता है तो दोस्तों यहाँ पर प्रीमियम डीके हो चुका होगा पुट के और दोस्तों यहाँ पर आपको पुट लेनी होती है और डाउन साइड का एक अच्छा मोमेंट होता है। आपको जैकपॉट ट्रेड वही मिलता है जहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल्स को ब्रेक करता है या फिर ब्रेकआउट देता है या फिर ब्रेक डाउन देता है, तभी आपको जैकपॉट ट्रेड अच्छा मिलता है। और दोस्तों ये ब्रेक करेगा नहीं करेगा वो दोस्तों ओआई के साथ आपको प्राइस एक्शन को भी कॉलअप करना होता है और दोस्तों उसके साथ आपको ट्रेड लेना होता है, अदरवाइज दोस्तों आपको नहीं पता चलता है। तो दोस्तों यहाँ पे कल मॉर्निंग में 9:30 से लेके मैं आपको 3:30 तक आपको लाइव मिलूंगा और दोस्तों लाइव मार्केट के अंदर आपको बताऊंगा कि आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के अंदर। तो दोस्तों सिंपल सा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू सो मच।